दोस्तों आज टीवी इंडस्ट्री की टॉप लिस्टेड एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं परिधि शर्मा और अनीता हसनंदानी, जहां अनीता ने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही अंदाज से दर्शकों के दिलों पर राज किया, तो वहीं परिधि शर्मा को आज भी इनके सादगी भरे अंदाज के लिए जाना जाता है, जिनके इन्हें अलग अंदाज ने इन्हें आज पॉपुलैरिटी के मामले में टीवी इंडस्ट्री की टॉप लिस्टेड एक्ट्रेस बना दिया है। लेकिन दोस्तों आज आप जिस परिधि शर्मा और अनीता हसनंदानी को उनकी काबिलियत के दम पर सफलता के शिखर पर देख रहे हैं, असल में इनकी उस पॉपुलैरिटी के पीछे टीवी इंडस्ट्री के एक मशहूर एक्टर का हाथ है, जिनके साथ काम करके ये दोनों ही अभिनेत्रियां आज इतनी फेमस हो गई कि दोनों ही आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। तो आखिरकार कौन से हैं वो टीवी एक्टर जिनके साथ काम करके फेमस हुई हैं परिधि शर्मा और अनीता हसनंदानी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब तो बने रहे वीडियो के एंड तक, लेकिन उससे पहले इन बेहतरीन अदाकाराओं के लिए एक लाइक तो बनता है। दरअसल परिधि शर्मा और अनीता हसनंदानी टीवी इंडस्ट्री के जिस मशहूर अभिनेता के साथ काम करके फेमस हुई वो कोई और नहीं बल्कि सबके चहेते अभिनेता रजत टोकस हैं। जी हाँ, रजत टोकस ही हैं वो टीवी के मशहूर अभिनेता जिनके साथ काम करके आज काफी ज्यादा फेमस हुई हैं ये दोनों ही अभिनेत्रियाँ। पहले बात करें आखिरकार किस तरह से रजत टोकस के साथ काम करके फेमस हुई आपकी चहेती अभिनेत्री परिधि शर्मा, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि परिधि शर्मा को आज भी इनके दिलचस्प किरदार जोधा बाई के लिए जाना जाता है, जिसका ये किरदार परिधि शर्मा ने साल 2013 में आए मोस्ट पॉपुलर शो जोधा अकबर में अकबर के किरदार में नजर आए रजत टोकस के ऑपोजिट अदा किया। इसी सीरियल में रजत टोकस के साथ इनकी केमिस्ट्री दर्शकों ने खूब पसंद की। आज ये परिधि शर्मा की एक अलग पहचान बन गया है, इसलिए तो इन्हें इनके असल नाम से ज्यादा अकबर की जोधा के नाम से जाना जाता है। यही नहीं बल्कि जब से इन्होंने रजत टोकस के साथ जोधा बाई का किरदार निभाया तभी से इन्हें टीवी इंडस्ट्री की हाई स्पीड एक्ट्रेस भी कहा जाने लगा। अब बात करें कि आखिरकार किस तरह से रजत टोकस के साथ काम करके अनीता हसनंदानी पहुंची है सफलता के सातवें आसमान पर, तो बता दें इन्होंने सीरियल नागिन के थर्ड पार्ट में कबीर बने रजत टोकस के साथ काम किया, जहां इन्हें विशाखा खन्ना के किरदार में देखा गया। इसी सीरियल में रजत टोकस के साथ काम करते हुए अनीता हसनंदानी दर्शकों की पहली पसंद बन गईं, जहां इनका नागिन का किरदार तो था ही दिलचस्प लेकिन इनके इस किरदार को और भी ज्यादा निखारते नजर आए रजत टोकस। इसलिए तो आज भी नागिन 3 सीरियल को रजत टोकस के साथ काम करके फेमस हुई अभिनेत्री अनीता हसनंदानी के लिए जाना जाता है, जिसमें काम करने के बाद से लेकर आज तक अनीता को टीवी की टॉप लिस्टेड अभिनेत्रियों में नंबर 1 पर गिना जाता है। तो कुछ इस तरह से अनीता हसनंदानी और परिधि शर्मा को फेमस करने में अहम रोल रहा है रजत टोकस का। वेल, इनमें से किस अभिनेत्री के साथ आपको रजत टोकस की जोड़ी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।